स्टूडेंट आज जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास मैं डिस्कस कर रही थी क्वार्टाइल डेविएशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास बेसिकली थ्री क्वार्टाइल्स होते हैं जो कि अपने डेटा को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बट क्वार्टाइल डेविएशन में जो इंट्रोडक्शन है इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हूँ आपसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ, मैंने आपको कहा था कि क्वार्टाइल डेविएशन से रिलेटेड आपको मैं डिवाइड कराते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आ जाते हैं। एक अनग्रुप डेटा से रिलेटेड आ जाते हैं, एक ग्रुप डेटा से रिलेटेड आ जाते हैं। जो अनग्रुप डेटा से रिलेटेड आते हैं उनमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन जो ग्रुप डेटा से आते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। अब अनग्रुप डेटा से रिलेटेड जो एग्जाम्पल थी वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फॉर द ग्रुप डेटा के लिए। अगर आपके पास ग्रुप डेटा गिवन है जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है और आपको कहा गया है कि यू कैन फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन, तो हाउ वी कैन फाइंड इट, ये आज आपके साथ डिस्कस करना है। अब मैं आपको एक देती हूँ क्वेश्चन देती हूँ जिसमें आपको जैसा आपको इसी तरह के सेम क्वेश्चन ना आपके पेपर में आते हैं, आपको ये क्लास इंटरवल गिवन होता है और फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है, ये दो चीजें आपको अवेलेबल होंगी। क्लास इंटरवल आपके पास क्या है 86 से 90, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाने लगी हूँ जो आपका कॉन्सेप्ट है ना रिलेटेड टू क्वार्टाइल डिवीजन वो क्लियर करने के लिए। ये फॉर द ग्रुप डेटा के लिए, अनग्रुप डेटा से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट वो आपके मैं प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ, ये मैं कह रही हूँ अनग्रुप डेटा के लिए। अब आपको क्लासेस गिवन है, ठीक है, साथ में आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसके सामने क्या गिवन है 6, 4, 10, 6, 3, 1 और टोटल अगर इसका हम करते हैं तो इसका 30। अब आपको जो क्वेश्चन गिवन है ना क्वेश्चन, उसमें ये दो चीजें गिवन है, वो गिवन है जी क्लास इंटरवल आपको गिवन है, ठीक है, और साथ में आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी, और क्वेश्चन में वो आपको कह रहे हैं कि आपको ये नहीं कहा गया कि ये इसका ग्रुप डेटा, ठीक है, आपको पता है जहां फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो ग्रुप डेटा होगा। वो आपको कह रहे हैं जी आपने क्वार्टाइल डेविएशन इन कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है। अब मैंने आपको एक चीज बताते चलूं स्टूडेंट, क्वार्टाइल डेविएशन मीन क्या होता है, आप अपने जो क्वार्टाइल है Q3 अपर क्वार्टाइल को लोअर क्वार्टाइल में से डिवाइड करते हो, डिवाइडेड बाय 2 करते हो, तो ये हमारे पास आ जाता है क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। और अगर जिस तरह आप क्वार्टाइल डेविएशन कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में, अब इसी से रिलेटेड आपको अगर कहा गया कि जी हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है, ठीक है, तो मीन डेविएशन जो हमारे पास होता है यहाँ बेसिकली हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो मैं आपको मीन डेविएशन ही डिस्कस कराऊंगी एंड देन आपको क्वार्टाइल करवा। अब जैसे आपको स्टूडेंट क्वार्टाइल में कहा जाता था ना, यहाँ मीन डेविएशन में भी आपको सेम फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। अब वो कहेंगे जी आपने मीन डेविएशन जो है वो लेनी है फॉर द ग्रुप डेटा। अब ये जरूरी नहीं है कि जो मीन डेविएशन होगी वो आपके पास जो है सिर्फ उसके मीन से हो सकती है, वो आपके पास मीडियन से भी हो सकती है, जो आपको अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा हुआ तो देन मीन डेविएशन आपने लेनी है मीन से ही। और ये मैं आपको मीन डेविएशन का क्वेश्चन करवाने लगी, क्वार्टाइल डेविएशन का सॉरी मैं आपको प्रीवियस करवा चुकी थी, तो ये मीन डेविएशन से रिलेटेड मैं आपको करवाने चुकी। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उसमें से माइनस करना है एवरेज, मीन में से माइनस करना है, एब्सोल्यूट लेना है, सम ऑफ एवरेज। अब जितना आपने किया था ना प्रीवियस अनग्रुप डेटा के लिए मीन डेविएशन, सेम आपने यहाँ करना है मीन डेविएशन फॉर द ग्रुप डेटा के लिए। बट द डिफरेंस इज दिस दैट फ्रीक्वेंसी इज इन्वॉल्व, वहां मीन डेविएशन विदाउट अनग्रुप डेटा में आपके पास क्या होता था फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती थी, बट यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व। अब आप देखिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है जो आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको बाय बार चाहिए, बाय बार आपको चाहिए जिसमें से आप अपनी ऑब्जर्वेशन को माइनस करो, बाय बार होता है सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। अब देखिए वाई क्या है, वाई जो हमारे पास है ऑब्जर्वेशन है, आपको ऑब्जर्वेशन नहीं दी, आपको क्लास इंटरवल दे दिया गया एंड फ्रीक्वेंसी दे दी। जो हमने ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी है ना वो आपके पास होते हैं क्लास मार्क या मिड पॉइंट्स, वो आप कैसे फाइंड करते हो कि अपर एंड लोअर क्लास इंटरवल को ऐड करते हो डिवाइडेड बाय 2 करोगे, आप 86 + 19 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो योर आंसर इज 88। आपके पास जो मिड पॉइंट्स आ जाएगा वो तो मिड पॉइंट्स या क्लास या ऑब्जर्वेशन जो फाइंड करने का मेथड होता है वो आप अपनी क्लासेस को ऐड करते हो डिवाइडेड बाय 2 करते हो। अब ये प्रोसेस हमने तमाम के लिए करना है, तो जो आपके पास वैल्यूज हैं वो आपके सामने लिख रही हुई आपको आपके पास आ जाएंगे, तो इस तरह हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हमें अवेलेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या करना, अब देखिए आपको रिक्वायर्ड क्या क्या,
वो कहते हैं कि आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को एवरेज से क्या करना है, डिविएट करना है। अब सबसे पहले तो हमने अपनी ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी है, तो अब इसका टोटल लोगे तो जो टोटल आपके पास आएगा एफ के साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आपने एक और चीज भी याद रखनी है कि अगर तो होता हमारे पास अन ग्रुप डेटा तो फिर हम ले लेते। अब हमारे पास है ग्रुप डेटा, तो ग्रुप डेटा के लिए आपने क्या करना है, सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय सम ऑफ वाई। अब सम ऑफ एफ एंड वाई हमने क्यों किया, देखिए स्टूडेंट अगर आपके पास अनग्रुप डेटा होता ना फिर तो आप सिंपली सॉल्व करते। अब आपके पास है ग्रुप डेटा, तो ग्रुप डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है, तो मीन भी ग्रुप डेटा के लिए आपके फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होके ही फाइंड होता है। तो जब आप मीन फाइंड करोगे ना तो जो आपके पास मीन आएगा वो वैल्यू आएगी आपके पास 97। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपने इसे सॉल्व करना है 97, बिकॉज विदाउट सॉल्व किए तो आपके पास पेपर में भी नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इनका जो सम आएगा वो लिखना है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ के साथ डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आ। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, देखिए आपके पास है मीन डिविएशन, ऑब्जर्वेशन को मीन में से माइनस करना है। ऑब्जर्वेशन जो आपके पास है और मीन जो है उसको माइनस करना है, मतलब 88 को हमें माइनस करना है 97.83 से। जब आप इसे करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी -9। अभी ये सिंपल हम फाइंड करें, 9 -9 8 आ जाएगा, या आप जब सॉल्व करोगे ना कैलकुलेटर में तो तब आपको पता चलेगा कि ये कैलकुलेशन में किस तरीके से ला रहे हो। ये स्टूडेंट आपने इसको सॉल्व करना है कैलकुलेटर में, इनको डेविएट करना है, देन आपके पास ये आंसर आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने इसको मॉड में कन्वर्ट करना है, हमें मॉड चाहिए ना। जब मॉड में आप इसे कन्वर्ट करोगे, आपने वैसे नेक्स्ट स्टेप में करना, मैं सिंपली यहाँ लिख कर दे रही हूँ ताकि हमारे टाइम बच जाए, आपने नेक्स्ट कॉलम बनाने। मॉड में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि नेगेटिव साइन इग्नोर एंड वैल्यू बिकम पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू इट्स बिकम पॉजिटिव, इट्स बिकम पॉजिटिव एंड ऑल अदर रिमेन पॉजिटिव, बिकॉज मॉड जो है वो आपके साइन को चेंज कर देता है, ठीक है। तो मीन डेविएशन में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपने मॉड लेना होता है एंड मॉड आपके नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं एंड ऑल द वैल्यूज बिकम पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज इज नॉट कमिंग इन द मीन डेविएशन बिकॉज द रीजन इज द मॉड, ठीक है, कि जब आप मॉड सिंबल ले रहे हो तो ऑल वैल्यूज बिकम पॉजिटिव, नो नेगेटिव वैल्यू अकर बिकॉज मॉड इज द रीजन, ठीक है। आपके पास जो मॉड है उसकी वजह से ये तमाम साइन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव में एक्सचेंज हो जाते हैं। अब आपको चाहिए एफ के साथ बिकॉज हम फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है वाई माइनस वाई स्टार जो आपने मॉड लिया हो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो मैं इसकी वैल्यूज लिख देती हूँ, 58998, देन आ जाएगा जी 90। अभी मैं आपके जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ना उसके साथ पूरे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस वन 31.02, 30.001 एंड 15.166। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर है 156.6670 आपके पास आंसर आ गया। अब आपने इसे मीन डिवीजन का जो फार्मूला है उसमें पुट कर देना है, आपके पास 156.6670 एंड एफ आपके पास 30 आगे से सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5.22 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट एक चीज हमेशा याद रखें कि जरूरी नहीं है कि आपको मीन डेविएशन में जो डेविएशन करनी होगी वो ओनली एवरेज मीन से करनी होगी। आपको पता है मीन भी डेविएशन है, मीडियन भी डेविएशन है, मॉड भी डेविएशन है, आपके पास डिफरेंट सिचुएशन दे सकते हैं। अगर तो उन्होंने मेंशन कुछ भी नहीं किया आपके क्वेश्चन, देन आपने मीन से डेविएट करना। अगर उन्होंने कहा है कि जी आप मीडियन से डेविएट करें फिर आप वाई माइनस मीडियम लेंगे, ठीक है, आपने मीडियम लेना। अगर वो कह रहे हैं कि आपने मॉड से करना है तो फिर आप मॉड लोगे, ठीक है, अगर मीन से करना है तो फिर मीन से लोगे। तो फिर आपको अगर मीडियम से फाइंड करना पड़ेगा तो एवरेज उस जगह पे आपको मीडियम की फाइंड करनी पड़ेगी, अगर मॉड फाइंड करना पड़ेगा तो मॉड का जो ग्रुप डेटा का फार्मूला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में करवा चुके वो लगा के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट ओनली मीन इज गिवन। हाँ, अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया कि आपने डेविएशन मीन लेनी है या मॉड से लेनी है, देन आप मीन सिंपल लगा सकते हो। तो ये आज का क्वेश्चन था, आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।